सत श्री अकाल आदाब, नमस्कार। मैं हूँ सिमरन हंस और आप देख रहे हैं बुगल बॉलीवुड। बात करें खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय की, तो अक्षय कुमार को बॉलीवुड के खिलाड़ी इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि वो अपने हर कैरेक्टर को बड़े अच्छे से प्ले कर लेते हैं। अगर हम बात करें खिलाड़ी कुमार की रिसेंटली आई मूवी यानी मिशन मंगल की, तो मिशन मंगल भी एक रिकॉर्ड तोड़ मूवी साबित हुई है। वही इस फिल्म ने रिसेंटली सलमान खान की एक फिल्म का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जी हाँ, ये फिल्म 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रिलीज हुई, और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो रिलीज हुई मूवीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है मिशन मंगल। जी हाँ, इससे पहले ये जो खिताब है सलमान खान की एक था टाइगर के पास था, लेकिन अब ये फिल्म यानी मिशन मंगल ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपने नाम कर लिया है। वही इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार हमें इसरो के साइंटिस्ट के किरदार में नजर आए थे और वो रोल भी उन्होंने एज ऑलवेज काफी अच्छे से प्ले किया। वहीं अगर हम इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार के अलावा हमें सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, तापसी पन्नू और शर्मन जोशी जैसे कई सितारे इस फिल्म में हमें नजर आए। वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अब तक ये फिल्म 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने, और फॉक्स स्टार स्टूडियोज की 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली ये तीसरी फिल्म बन चुकी है। जी हाँ, इससे पहले संजू और प्रेम रतन धन पायो मूवीज ऐसी हैं फॉक्स स्टार स्टूडियोज की जो 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं, लेकिन अब ये तीसरी फिल्म बन चुकी है जिसने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं अक्षय कुमार के फिल्मी ग्राफ की बात करें तो अक्षय कुमार की जो फिल्में हैं काफी ज्यादा हिट जा रही हैं। रिसेंटली हमने ये बात भी की थी कि अक्षय कुमार राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जैसे कि राजेश खन्ना का रिकॉर्ड था कि 2 साल में 15 सुपरहिट मूवीज देने का। अब तक कोई ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, लेकिन हमें उम्मीदें हैं कि अक्षय कुमार जल्द ही ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिस हिसाब से उनकी फिल्में सुपरहिट जा रही हैं। आने वाली फिल्मों की बात करें तो अक्षय कुमार सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनकी हाउसफुल 4, बच्चन पांडे और पृथ्वीराज भी हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी। अब देखना ही होगा खिलाड़ी कुमार आने वाली फिल्मों में हमें कितना खुश कर पाते हैं। इसी के साथ ही मैं यानी सिमरन हंस आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुगल बॉलीवुड।